सुनकर अकुलाना नहीं और घबराना नहीं। प्यारे राम, कभी अपने मन में, कभी अपने मन में न तुम्हें घबराना, छत की लाज तुम्हें है निभाना, तुम्हें बन जाना, बन जाना, बन जाना, तुम्हें बन जाना, बन जाना, बन जाना, तुम्हें मुनि सही के सक जाना, सक जाना, तुम्हें मुनि जी के सक जाना, सक जाना, प्यारे राम। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, दुख है हृदय में निकलते हैं आंसू, जिसे जान सकता नहीं ये जमाना, जिसे जान सकता नहीं ये जमाना, तुम्हें मुनि जी के संग जाना, संग जाना, तुम्हें मुनि जी के संग जाना, तुम्हें मुनि श्रेष्ठ की यज्ञ रक्षा हितार इनके साथ जाना है। यदि कुछ कहना चाहते हो तो मैं सुनना चाहता हूं। पूज्य श्री पिताजी, आप हम दोनों बंधुओं को आदेश एवं आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि दोनों बंधु जाकर के पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का यज्ञ पूर्ण करवावें। विचार करता हूँ यज्ञ भगवान, अरे एक ओर से देखा जाए तो यज्ञ भगवान भी हमारे पिताजी के समान हैं, क्योंकि यज्ञ भगवान से हमारा जन्म हुआ है। और मेरा मानना तो यह है कि यदि अपने पिता पर कोई कष्ट आ जाए तो पुत्र को अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए पिता के कार्य में तत्पर हो जाना चाहिए। पिताजी, आप धैर्य को धारण करें, हम दोनों बंधु महामुनि के साथ में अवश्य जाएंगे। आपका ही तो कहना है, कंठकों में पथ बनाना सीख लो, दुख में भी मुस्कुराना सीख लो, अरे यही जिंदगी सुखद बन जाएगी, इन संतों के काम आना सीख लो। पूज्य श्री पिताजी, धैर्य को धारण करें, हम दोनों बंधु महामुनि के साथ में अवश्य जाएंगे, अवश्य जाएंगे। हे पूजे जो आज्ञा देते हो, मैं मुनिवर के संग जाऊंगा, चरणों का सहारा लेकर के, मुनिवर का यज्ञ कराऊंगा, और फिर हमें किस बात की चिंता है जब साथ में मेरा लक्ष्मण है, फिर साथ आज्ञाकारी है।
अवश्य जाएंगे। पिताजी आपने बताया हम दोनों राजकुमारों को महामंदिर के संग जाना है और उनके यज्ञ की रखवाली भी करनी है। पिताजी अगर ऐसा है तो मैं तो यही कहूंगा कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ उताई साधुवा काले न फलते तीर्थ सत्य साधु समागम। पिताजी तीर्थ स्थानों का फल समय पाकर के मिला करता है लेकिन साधु दर्शन और साधु संगत तुरंत दुख हरण कर सुंदर सुख प्रदान करते हैं क्योंकि कहा गया है एको नाम स्वरूप चरण सोपने सुगंधना वास्तनम तत्त्वनम सर्वम सुपुत्रण कुलम यथा। पिताजी अगर वन में एक भी वृक्ष सुगंधित हुआ तो सारा का सारा वन सुगंधित हो जाता है। अवश्य ठीक इसी प्रकार अगर कुल में एक भी पुत्र सुपुत्र हुआ तो सारा का सारा कुल धन्य हो जाता है। सारा का सारा कुल तर जाता है। जाना है महामंजी के संग में केवल राज में ही जिएंगे तो सुकुमार राजकुमार हो जाएंगे और संघर्ष में जिएंगे तो कठिन से कठिन कार्य कर लेंगे क्योंकि कहा गया है जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता और पिताजी बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता क्योंकि जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट पिताजी पत्थर भी भगवान नहीं होता है। कौन कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। संसार में जीवन मिला एक दिन चले जाना है। कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए उस जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें इंतजार होना चाहिए उस शाम का। किस शाम का? हमें संसार के हर मनुष्य को इंतजार होना चाहिए उस शाम का जब हमारी जिंदगी संतों के काम आ जाए। पिताजी बने बने अब बनना पड़ेगा कुछ। क्या क्या बनना पड़ेगा? बने हम हिंद के योगी योगी बनेंगे। बने हम हिंद के योगी क्योंकि पिताजी देश को योगियों से अच्छा कोई नहीं चला सकता है। अब बनना पड़ेगा योगी लेकिन अंतर है योगी कौन योगी बनेंगे। आकृष्ट शास्त्रों ने कहा योगी कौन आकृष्ट है फल मूलानि वनवास प्रति सदा पूर्ते आहार हा श्रादम योगिर विप्रसौचते। जो बिना जोते फल खा करके हमेशा जंगल में रह करके भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें योगी कहते हैं। अब जाएंगे महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में तो वहाँ राजभोग तो मिलेगा नहीं। वहाँ क्या मिलेगा? जंगल के फल फूल मिलेंगे उन्हीं को खाएंगे भक्ति करेंगे और जब भक्ति बनेंगे तभी तो योगी बनेंगे। हम तो योगी बनेंगे बोले हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का उठाकर उठाकर धर्म का झंडा रखेंगे मान भारत का क्योंकि बहुत पानी बरसता है पिताजी तो ये मिट्टी बैठ जाती है। बहुत पानी बरसता है तो ये मिट्टी बैठ जाती है। पिताजी पुत्रों के लिए ज्यादा ना रोया करो क्योंकि ज्यादा रोने से ये छाती बैठ जाती है क्योंकि यही मौसम था जब हम खुले अयोध्या में घूमते थे। अब यही मौसम है कि सीने पे सर्दी बैठ जाती है। पिताजी हे पूज्य पिता संशय त्यागो तो हृदय में संशय है। लक्ष्मण के रहते हुए पिताजी को संशय करना पड़े वो अभागी पुत्र है जो पुत्र के रहते हुए पिताजी को संशय करने पड़े। पिताजी संशय मत करो हे पूज्य पिता संशय त्यागो मैं भैया सग जाऊंगा निश्चर गलघोर प्रयत्न में छड़ में मार भगाऊंगा। और पिताजी ऐसे नहीं कह रहा हूँ जल्दीबाजी ना करो ऐसे नहीं कह रहा हूँ। क्यों कैसे कह रहा हूँ? सौगंध है पूर्वक कहता हूँ। लक्ष्मण सौगंध खा करके कह रहा है
सौगंध पूर्वक कहता हूं, नहीं ये पीछे ये कदम उठाऊंगा, निश्चय तल का संघार करूं तब आप पलाल कहलाऊंगा। क्योंकि हम वीर पुत्र रघुवंशी हैं, कोई साधारण थोड़ी ना है, बिल्कुल क्षत्रियों के लड़के हैं, हम वीर पुत्र रघुवंशी है, मुनिवर का कष्ट मिटाएंगे और इस धरती का पाप मिटा करके हम धर्म ध्वजा लहराएंगे। पिताजी आदेश दो, चिंता मत करो बेटे, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। तुम्हारे शब्दों को सुना व्यास जी। हेलो, देख रहे हैं आप और राजा भगवान, तुम पिता पुत्र का प्रेम और स्नेह देखकर मैं सोच रहा हूँ आश्रम की स्थिति न बिगड़ जाए, क्योंकि देखत जग निसाचर धावई, वहाँ उपद्रव हो रहा है और तुम यहाँ प्रेम की धारा बह रहे हो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। शीघ्रता करो, हमें चलना चाहिए, क्योंकि संत एक स्थान पर ज्यादा समय तक ठहरता नहीं है। भगवान मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, मैं अपने बेटों के साथ साथ ये पदवी आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार। कल्याण हो तुम्हारा। ये हम मूल धन ले जा रहे हैं।